सो नाओ लेट एस सी अबाउट द concept ऑफ कंस्ट्रक्टर सो कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये भी एक member फंक्शन होता है बट ये स्पेशल member फंक्शन है जो क्लास ऑब्जेक्ट्स को initialize करने के काम आता हैं इसका जो नाम है वो सेम होता है जो क्लास का नेम होता है कोई रिटर्न टाइप नहीं होता ये इंपॉर्टेंट है अगर आप एक कंस्ट्रक्टर के नाम के आगे रिटन टाइप लगा दोगे तो वो एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन बन जाएगा ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कब इनवर्क होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल हो जाएगा ठीक है अब डिफरेंट टाइप्स के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है पैरामीटराइज होता है देन यू कैन डिफाइन ए कंस्ट्रक्टर इनसाइड ए क्लास आउटसाइड द क्लास तो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है ये वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं so तो दैट इज विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट तो सिंपल देखो अगर मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ क्लास क्लास स्टूडेंट ठीक है यहाँ पे मैं बनाता हूँ सपोज रोल नंबर एक और एक मैं बनाता हूँ फ्लोट टाइप का मार्क्स देन पब्लिक के अंदर हम जाके बनाएंगे कंस्ट्रक्टर और जो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा वो क्या होगा सेम क्लास के नाम के बराबर यानी हम लिखेंगे स्टूडेंट और उसको एक मेंबर फंक्शन की तरह हम डिक्लेयर कर देंगे सिंपल अब यहाँ पे आप जो दोनों वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज़ को आप इनिशियलाइज़ कर सकते हो जैसे मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया सपोज़ रोल नंबर को मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया जीरो से और मार्क्स को मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो से और यहाँ पे हम सिंपल क्लास को बंद कर देंगे ठीक है सो ये क्या हुआ दिस इज ए कंस्ट्रक्टर नाउ दिस इज अ कंस्ट्रक्टर ठीक है और ये कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया क्लास के अंदर सो दिस इज एन इनसाइड द क्लास कंस्ट्रक्टर अब यहां पे क्या हो रहा है ये हो रहा है इनिशियलाइजेशन ऑफ क्लास और इनिशियलाइजेशन ऑफ डाटा मेंबर्स अगर आप इनकी वैल्यूज नहीं दोगे तो जो बाई डिफॉल्ट वैल्यू होती है कंपाइलर के अंदर इंटीजर और फ्लोट की या करेक्टर की जिसकी भी है उससे इनिशलाइज हो जाएगा सो इनिशलाइजेशन ऑफ डेटा मेंबर्स हो रहा है यहाँ पे सो लेट अस सपोज मैं ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता हूं स्टूडेंट एस वन कॉमा एस टू तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके बाद आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा एस वन के लिए कॉल होगा तो यानी एस वन डॉट रोल नंबर क्या हो गया जीरो ऐसी एस वन डॉट मार्क्स क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो ऐसी एस टू के लिए कॉल होगा तो एस टू डॉट रोल नंबर जीरो एस टू डॉट मार्क्स जीरो पॉइंट जीरो तो ये तो था इनसाइड द क्लास अब आउटसाइड द क्लास करने के लिए सेम जैसे हमने मेंबर फंक्शन देखा था आउटसाइड द क्लास मेंबर फंक्शन होता है ऐसे ही आपका कंस्ट्रक्टर होता अगर इसी कंस्ट्रक्टर को मुझे आउटसाइड द क्लास लिखना होता है तो मैं कुछ इस तरह से लिखता क्लास के अंदर मैं सिर्फ उसकी डिक्लेरेशन करता कोई भी मैं उसके अंदर डेफिनेशन नहीं देता सिर्फ उसकी डिक्लेरेशन करता मैं ठीक है so, सो कैसे करते हैं सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता आउटसाइड द क्लास के लिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ये जो है ना इसकी जगह मैं लिखता अब यहाँ पे सिंपल स्टूडेंट और इस तरह से इसको यहीं पे बंद कर देता तो ये क्या हो जाती है सिर्फ डिक्लेरेशन ठीक है फिर क्लास के बाहर जब सपोज क्लास यहां पे बंद हो गई फिर इस क्लास के बाहर हम कैसे लिखते क्लास नेम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड कंस्ट्रक्टर नेम और इसके अंदर फिर इसकी डेफिनेशन ठीक द क्लास हो गया इन साइड हो गया so, कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं दे रहे बट ऐसा हो सकता है कि कंस्ट्रक्टर के मैं आर्ग्यूमेंट्स दू और उसको हम बोलते हैं अगर हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कंस्ट्रक्टर के तो वो कहलाता है आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्लियर सो अस सी द एग्जाम्पल ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इसकी डेफिनेशन सिंपल है इट इज़ द कंस्ट्रक्टर डेट टेक्स सम आर्ग्यूमेंट्स कुछ आर्ग्यूमेंट्स को लेगा ये जैसे यहीं पे मैं स्टूडेंट वाले को ही मैं सीधा बना देता हूँ सपोज ये कंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट और इसके अंदर मैंने एक आर्ग्यूमेंट लिया है इंट आई और एक लिया है फ्लोट जे ठीक है अब जो रोल नंबर है उसको मैं इनिशलाइज़ कर रहा हूँ आई से और जो मार्क्स हैं उसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ जे से ठीक है यहाँ पे ये बंद हो गया अब हम क्या करेंगे हम मेन लिखेंगे सपोज मैंने लिखा वॉइड मेन और मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट एस वन टू कॉमा फिफ्टी ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ अब एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को ढूंढेगा या फिफ्टी पॉइंट जीरो कर लो फ्लोट है तो ठीक उस है उससे डिफरेंट है ये कॉन्सेप्ट देखो पहले क्या है तो क्या होगा ये टू की वैल्यू कहाँ जाएगी आई के अंदर फिफ्टी पॉइंट जीरो की वैल्यू कहाँ जाएगी जे के अंदर तो रोल नंबर कितना हो गया सो रोल नंबर हो गया टू और मार्क्स कितने हो गए फिफ्टी पॉइंट जीरो सो दिस इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कुछ हम आर्ग्यूमेंट्स को यूज करते हैं ठीक है